attention, please. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5. अभी मैं आपको बता रही थी क्या कि आप लोग आउटलुक विंडोज ईमेल आईडी स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं, आप तब भी यूज कर सकते हो, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप ईमेल अकाउंट यहाँ पे कॉन्फिगर के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ आपको अगर आप यस करेंगे तो आपका विंडोज ईमेल आईडी से स्टार्ट नहीं हो पाएगा। अगर आप नो क्लिक पे करेंगे तब वो नो पे क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्लिक करेंगे। आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 2007, 3 या 10 है तो 10 है, ठीक है। तो आपको ना सबकी सेटिंग सेम रहती है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूरा स्क्रीन का भी यहाँ पे ओपन हो जाता है। मेल में ये होता है कि आप अपने ईमेल आईडी को आउटलुक से कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें आप मैसेज सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी करते हैं, या सिक्योर रहता है, या ये हैक नहीं होता है। इसमें आप मैसेज को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आप इसके मेल मैसेज को आप देख सकते हैं, इनबॉक्स में भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट आप नीचे देख रहे हैं एक ऑप्शन आ रहा है कैलेंडर का, ठीक है। तो कैलेंडर पे हम लोग क्लिक करेंगे। सबसे पहले जब आप कैलेंडर पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं, तो पूरा ही वहाँ पे यहाँ पे आप सबसे पहले देख रहे हैं, यहाँ पे डे आ रहा है, वीक आ रहा है, मंथ आ रहा है, ठीक है। कैलेंडर में हम लोग क्या करते हैं, आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, जैसे अभी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप चाहते हैं कि वो बोलिए नहीं, तब रिमाइंडर में आराम से सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट, सबसे पहले यहाँ पे एक ब्लैंक करके आता है, यहाँ पे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट मैसेज टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेव और क्लोज का ऑप्शन है, तो आप सेव और क्लोज पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट लोकेशन आ रहा है, स्टार्ट टाइम और इन आ रहा है। सब्जेक्ट जो भी आपका इंपॉर्टेंट मीटिंग है वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, लोकेशन आप IMS टाइप कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको लोकेशन आपको जहाँ जाना है उसका वहाँ पे लोकेशन आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट टाइम में वो होता है कि आपकी मीटिंग कितना बजे स्टार्ट होगी, इन टाइम में वो होता है आपको वो टाइम डालना है कि जितना बजे आपकी मीटिंग खत्म होती है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक ब्लैंक करके आता है, यहाँ पे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट मैसेज टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेव और क्लोज का ऑप्शन है, तो आप सेव और क्लोज पे क्लिक कर देंगे। इंपॉर्टेंट मीटिंग था वो हम लोग सेव कर चुके हैं, वहाँ पे यहाँ पे आपका एक रिमाइंडर सेट हो जाएगा, वो आपको यहाँ पे आपका स्टार्टिंग टाइम बता देगा और एंड टाइम बता देगा, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी रिमाइंडर सेट हो चुका है इंपॉर्टेंट मीटिंग का, जो हम लोग टाइम दिए थे, ठीक है, वो आपके ईमेल आईडी पे आपके मैसेज आ जाएगा।
यहाँ पे हम लोग का कैलेंडर का ऑप्शन हो चुका है। अभी हम लोग कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट पे जैसे कॉन्टैक्ट में होता है क्या, कॉन्टैक्ट में आप बिजनेस कार्ड पे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे जहाँ पे कॉन्टैक्ट में लोग बिजनेस कार्ड बना सकते हैं, एड्रेस कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बिजनेस कार्ड बताने जा रही हूँ। जैसा कि आपने डबल क्लिक यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे पूरा फुल ब्लैंक में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना फुल नेम लिखेंगे, यहाँ पे कंपनी का नाम लिखेंगे, जॉब टाइटल लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पहले से मैंने एक पिक्चर इंसर्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आता रहेगा, ठीक है। जैसे ही आप सेव एंड क्लोज पे क्लिक करते हो तो वैसे ही यहाँ पे बिजनेस कार्ड बन जाएगा, ठीक है। बिजनेस कार्ड बन गया हमारा, यहाँ पे जो भी डिटेल। सो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो आउटलुक, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का सलूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।